वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा सरकार को सितंबर में मिला 14,662 करोड़ रुपए राजस्व। प्रदेश सरकार को सितंबर 2022 में 14,661.89 करोड़ रुपए की आय हुई है। पिछले साल सितंबर में हुई 1,153.16 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति की तुलना में 3,123.73 करोड़ रुपए अधिक है। उधर जीएसटी, आबकारी, परिवहन और भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में सितंबर 2022 तक निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले राजस्व कम मिला है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के अगस्त में मुख्य कर करेत्तर राजस्व वाले मदों में 13,024.46 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे, जो निर्धारित लक्ष्य 17,010.60 करोड़ के सापेक्ष 76.6% है। सितंबर में राजस्व प्राप्ति के निर्धारित लक्ष्य 16,285.48 करोड़ के सापेक्ष 90% प्राप्ति हुई है, लेकिन अगस्त की तुलना में सितंबर में 1,637.43 करोड़ रुपए अधिक आई हुई है। उन्होंने बताया कि जीएसटी जरिए सितंबर में 4,746.57 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई, जबकि गत वर्ष सितंबर में जीएसटी से 4,290.92 करोड़ रुपए की राजस्व मिली थी। वैट के जरिए इस वर्ष सितंबर में 4,623.30 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई, जबकि गत वर्ष माह सितंबर में 2,240.40 करोड़ राजस्व की प्राप्ति हुई थी। सितंबर महीने में वैट से 2,911.40 करोड़ रुपए अर्जित करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन लक्ष्य के मुकाबले 158.8% अधिक राजस्व मिला है। खन्ना ने बताया कि आबकारी विभाग से सितंबर में कुल 2,536.38 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई, जबकि सितंबर 2021 में 2,559.85 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्ति हुई थी। स्टाम्प व निबंधन विभाग ने सितंबर में 1,978.84 करोड़ रुपए अर्जित किए हैं, जबकि सितंबर 2021 में 1,801.30 करोड़ मिले थे। वित्त मंत्री ने बताया कि मुख्य कर राजस्व के तहत जीएसटी से सितंबर तक 45,990.43 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था, जबकि 31,490.75 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्ति हुई है। लक्ष्य के मुकाबले 65.5% आय हुई है। वैट से सितंबर माह तक में 15,678.76 करोड़ रुपए राजस्व अर्जित करने का लक्ष्य रखा गया था, जबकि 16,095.76 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्ति हुई है। इसी प्रकार आबकारी में 25,036.36 करोड़ रुपए के लक्ष्य के सापेक्ष 18,509.46 करोड़ राजस्व प्राप्ति हुई है। स्टाम्प तथा निबंधन के सितंबर 2022 तक निर्धारित लक्ष्य 15,154.70 करोड़ के सापेक्ष 12,404.48 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है। परिवहन विभाग में सितंबर माह 5,144.16 करोड़ रुपए के राजस्व लक्ष्य के मुकाबले 4,164.18 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त हुआ है। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग से भी सितंबर तक 1,944 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले 1,249.91 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्ति हुई है।